हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस गेम के बारे में बताने वाला हूँ कि ये गेम कैसे खेलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, गेम है नाइन मैंस मोरीज। इस गेम के बहुत सारे नाम हैं, एक दो नाम बता दूँ। जैसे इसे मिल भी कहते हैं, थ्री रोज गेम भी कहते हैं, इसे नाइन मैन मोरीज भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नेम हैं इस गेम के, तो आप कुछ भी बोलिए, पर गेम का जो रूल है वो सिंपल है, बहुत आसान गेम है। इस गेम को दो लोग मिलकर खेलते हैं, एक अपोनेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो लोग के लिए नो नो जो है इन्हें चेकर्स, नो चेकर्स एक अपोनेंट के पास रहेगा, नो चेकर्स दूसरे अपोनेंट के पास। और इस गेम को खेलना कैसे है, दोनों अपने अपने चेकर्स अपने पास रखेंगे और सिंपली स्टार्ट करेंगे। एक चेकर रखते हुए दोनों प्लेयर को बारी बारी से एक एक चेकर्स, ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं, इन डॉट्स पे रखना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट टीम ने किसी ने भी फर्स्ट प्लेयर ने रख दिया, अब यहाँ पर रख दिया, तो अब दूसरा प्लेयर जो है वो रखेगा अपने चेकर्स। दूसरा प्लेयर भी अपने चेकर्स कहीं भी रख सकता है, इसकी यहाँ पर रख दिया। और इस गेम में करने क्या था, इसी तरह से बारी बारी करके चेकर्स रखने होते हैं, ठीक है। और जब एक बार सारे, मतलब सारे जो ये है चेकर्स इन सभी जगह पर आ जाते हैं, तो उसके बाद जो गेम होता है कंटिन्यू होता है आगे। तो इस गेम में करना क्या होता है, किसी भी मतलब कि किसी भी एक को प्लेयर को, सभी प्लेयर को अपने जो चेकर्स हैं उनका एक मिल बनाना होता है। मिल कहते हैं थ्री, मतलब थ्री चेकर्स हैं, तीन चेकर्स को एक रो में लगाने हैं, उसे कहेंगे मिल। तो वो मिल बनाना है कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए, ये जैसे कि मैंने ये रखा, तो ये एक रो बन गया है तीन चेकर्स मिल के, इसे हम कहेंगे मिल। और यही मिल, अगर ये बनाने के बाद मेरे पास एक स्टेप है जो मुझे करना है, वो है कि अगर मेरे अपोनेंट के प्लेयर्स इस अपोनेंट प्लेयर्स के चेकर रखे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, जो अगर मैंने ये मिल बना दिया है, तो मैं ये करूँगा कि उसका एक भी जो चेकर है, कोई सा भी एक चेकर, मैं यहाँ से बोर्ड से हटा दूँगा, तो वो जो चेकर है वो उसका चेकर हट जाएगा, वो उस चेकर को यूज़ नहीं कर पाएगा दोबारा। इसी तरह से मैं पहले सारे चेकर्स को एक बार रैंडमली कहीं भी रख देता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये रख दिया है, तो ये जो वाइट है, वाइट चेकर एक रहेगा, इसे रखना बाकी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लू का एक मिल बना हुआ है, तो मैंने वाइट का एक चेकर यहाँ से गेम से हटा दिया है, तो अब इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और एक वाइट का बचा हुआ है, यहाँ पर पूरे सात हैं, और ये आठवां है जो कि मैं रखूँगा। जैसे यहाँ पर ये मिल बन रहा है मेरा, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा एक मिल बन गया। अब ये मिल बन गया, तो अब मैं अपोनेंट का कोई सा भी एक चेकर हटा सकता हूँ। तो अगर मैं इसका ये चेकर हटा दूँ, कोई सा भी आप हटा सकते हैं जो आपको, उसके बाद हटा देते हैं, फिर गेम कंटिन्यू। सारे चेकर्स आप यहाँ पर बोर्ड पे हैं, तो उसके बाद गेम कंटिन्यू होता है। गेम क्या होता है, आपको ये चेकर्स हैं इनको मूव करके वही मिल, एक रो बनाना होगा इन चेकर्स से। आप मूव इन्हीं लाइन पे कर सकते, जो लाइन ड्रो हुआ है उसी लाइन से मूव कर सकते। जैसे कि आप यहाँ हैं, तो ये मुझे एक रो बनाना है, तो रो या तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा या तो ऐसे बनाना पड़ेगा, जो लाइन दिया हुआ है उसी पर। या तो रो हमारा इस तरह से बनेगा या तो इस तरह से बनेगा, तो मैं इसको मूव यहाँ पर कर दूँगा, इसको यहाँ पर मूव कर दूंगा, तो मेरा एक रो बन जाएगा। तो रो बन जाएगा, तो मैं अपोनेंट का कोई सा भी एक चेकर हटा दूंगा। अब वो चेकर हटाइए अपोनेंट का जो कि एक मिल, जो कि बनने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, एक मिल बनने वाला है, तो इससे आपको एक, आपको ही फ़ायदा होगा। तो जैसे कि इस अपोनेंट का जो ये है, अगर मेरे टर्न के बाद उसका टर्न आएगा, तो जैसे मैंने एक मिल बना दिया है, तो वो अगर मैं मिल नहीं बनता, अगर मैं इसको इस तरह से अगर कर चल देता, तो मेरा मिल तो नहीं बनता, पर अपोनेंट के पास अच्छा तक टर्न, तो वो क्या करता, वो अपना मिल बनाता और मेरा कोई सा भी चेकर यहाँ से हटा देता। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने एक मिल बना दिया है, तो अपोनेंट का कोई सा भी चेकर हटा दूँगा ताकि उसका मिल ना बन पाए। अगर मैंने ये वाला चेकर हटा दिया, तो अब नेक्स्ट टर्न में अपना मिल नहीं बना पाएगा। अब उसे मिल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिए, जैसे कि उसका ये मिल बना हुआ है, और इसको या तो इसको दो टर्न में यहाँ तक लाना पड़ेगा अपोनेंट को मिल बनाने के लिए, या फिर दो टर्न में इसको इस तरह से करना पड़ेगा, या फिर इसको किसी तरह से ये इधर लाना पड़ेगा, या इस तरह से घुमाएंगे। तो मतलब ऐसे ही करके मूव करके आपको एक टर्न में एक ही बार मूव कर सकते हैं, और मूव करते करते आपको मिल बनाना है। और हाँ, एक जो मिल बन चुका है, जो रो है, उस रो को तोड़ के कितने बार भी दोबारा मिल बनाया जा सकता है, कितने बार भी तोड़ के। मतलब आपने अगर ये मिल बना दिया मैंने, तो मैं इसको तोड़ूँगा, फिर दोबारा इसको मिल बना सकता हूँ, अगर अपोनेंट ने मेरा ये अपना मिल बना के ये चेकर्स हटा नहीं लिया। तो रूल है, मिल को तोड़ के कितने बार भी दोबारा बनाया जा सकता है, ये रूल मेरे को ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि इससे ना एक तरह से चीटिंग सा हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे कि ये देख रहे हैं,
इसमें जो ब्लू का जो चेकर है उसके पास बहुत ही मतलब कि उसके पास इतने चांसेस नहीं है कि वो बना सके। अगर उसे बनाना होगा तो उसको किस कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि ये इसको यहाँ पर देख लीजिए ये करके मैं ऐसे लाता हूँ, फिर यहाँ पर मतलब कितने टन लग जाएंगे यहाँ पर आप खुद देखिए, बहुत ज़्यादा टन लग जाएंगे ऐसे बिल बनाने के लिए, और या फिर इसको तोड़ के ये बना सकता हूँ मैं। चलो मान लीजिए इसका ऐसे है कुछ इस तरह से है और ये बना नहीं सकता है, एक ये ऐसे मान लीजिए कि ये बना नहीं सकता है, तो अब इसमें क्या करेगा, ये अपना मूव तो कर नहीं सकता, तो वाइट वाला कितने बार इतने में ये टर्न चलेगा, तो वाइट वाला उसमें दोबारा बार 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 बनाता रहेगा इस तरह से। तो ये इतना तो आप चाहे तो ये रूल हटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते, बस ऐसे खेलते हैं। और गेम को जीतने के लिए बहुत सिंपल, आपको क्या करना है, या तो आप जो अपोनेंट के जो भी चेकर्स हैं सभी चेकर्स को हटा के सिर्फ दो चेकर्स बचने चाहिए उसके, तो आप ये गेम जीत जाएंगे। अगर अपोनेंट्स के सभी चेकर्स हट के सिर्फ उसके दो चेकर्स बचे इस बोर्ड पे, सिर्फ दो, तो वो क्या करेगा, मिल बनाने के लिए तीन चेकर्स होने चाहिए मिनिमम, तीन तीन ही चेकर से मिल बनता है, तीन चेकर्स होने चाहिए, और उसके दो ही चेकर से तो वो मिल नहीं बना सकता, तो ये गेम आप जीत गए। और या तो ऐसे ऐसे उसका जो वे है उसका वे आप क्लोज कर दीजिए, जैसे कि इसका अपोनेंट से चेकर है, मैंने इसका ये और ये आप जैसे कि देख रहे हैं, तो आप जब देख लीजिए जैसे कि इस तरह का कोई आपके पास आ जाता है, तो अब इस तरह से आपको क्या करना है यहाँ पर, अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जैसे कि आप वाइट मान लीजिए आपके पास वाइट चेकर है, अपोनेंट के पास ब्लू है, तो आप देख सकते हैं अब अपोनेंट का जो है वो एक ही चेकर है जो कि वो मूव कर सकता है, और वो भी एक जगह पर यहाँ पर, और जो वाइट है वाइट के बहुत सारे जगह हैं वाइट के पास मूव करने के लिए, तो आप क्या करना है, आपको इसके पास तीन चेकर्स बचे हैं तो ये मिल बना सकता है, अभी पूरी तरह से गेम हारा नहीं है। अगर आपको गेम हराना है या तो इसको पूरी तरह से इसका जो रास्ता है वो रोक दीजिए, या तो इसका एक और जो है चेकर वो यहाँ से हटा दीजिए। अब चेकर हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये अपने चेकर्स मूव करके आपको ये बनाने पड़ेंगे। इससे अच्छा है आप अगर आपका अगर इस टाइम इस सिचुएशन में आपका जो टर्न है तो आपका टर्न है तो आप यहाँ पर अपना लगा के उसका जो है रास्ता रोक सकते हैं। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्लू जो है वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता, तो आप ये जो है सिचुएशन इसी सिचुएशन में आपको ला के ब्लू को मतलब अपने अपोनेंट को हराना है, तो आप इस सिचुएशन में जो ब्लू है वो हार चुका है। तो अगर ब्लू का जो टर्न है तो अपना क्या करेगा, उसके पास और कोई है नहीं तो अब यही मूव करेगा, अब वही ऐसा मूव करेगा, तो आप ये करके उसका रास्ता रोक सकते हैं। अगर आपने गलती से इसको मूव कर दिया है तो भी कोई बात नहीं, उसका फिर भी इन दोनों से किसी एक को मूव करेगा। अगर ये इसको मूव करेगा तो आप यहाँ पर इसका रास्ता रोक दीजिए, अगर इसको मूव करता तो ये इससे रास्ता रोक जाता, इसी तरह से ये गेम जीतते हैं। तो बहुत ही सिंपल गेम है, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत मज़ेदार गेम है। तो आप दो प्लेयर खेलते हैं एक साथ, दो प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं, दोनों के पास दोनों चेकर्स होंगे और दोनों रख सकते हैं अपने सारे चेकर्स में बारी बारी करके रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप जब तक पूरे चेकर्स आप रख नहीं देते बोर्ड पे उसके तभी आप मिल बना सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप शुरू में ही चेकर्स रख के रखते टाइम ही अगर आपने मिल बना दिया तो जो अपोनेंट का जो चेकर है, अगर अपोनेंट का जो चेकर है कहीं भी मान लीजिए अपोनेंट का जो चेकर है आपने रखते टाइम ही अगर मिल बना लिया तो अपोनेंट का चेकर आप हटा ही सकते हैं उस टाइम भी। जरूर नहीं कि आप जब तक पूरे चेकर्स नहीं आए तब तक मिल नहीं बना सकते, मिल कभी बना सकते हैं गेम की शुरुआत में, और पूरे चेकर्स बोर्ड पर रखने के बाद भी आप मूव करके मिल बना सकते हैं। पर याद रखना आप जो जो है स्टेप यहाँ से आप स्किप नहीं कर सकते, जैसे कि अगर यहाँ पर है आपको यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ से आपको जाना है यहाँ पर इस तरह से आपके आपके चेकर्स हैं और आपको मिल बनाने के लिए यहाँ पर इसको चेकर्स को एक चेकर को यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जंप करके यहाँ पर नहीं आ सकते, जंप नहीं हो सकता। जो आपका पाथ बना हुआ है, देखिए ये जो है ये बना किस लिए है, ये पाथ है, इसी पाथ से चल कर आपको जाना पड़ेगा। आप मान लीजिए जो वाइट वाइट है ये एक वॉल है, दीवार है, ये ऊंचा सा दीवार जिसको आप पार नहीं कर सकते। ये जो पाथ है पाथ से आपको चल के जाना पड़ेगा, किसी तरह से आपको ये पाथ से चल के यहाँ पर आना पड़ेगा तभी आप ये मिल बना सकते हैं, आप जंप नहीं कर सकते, पाथ से ही चलना पड़ेगा। ये है रूल, यही है गेम का, और मिल बनाना है और अपोनेंट के चक्कर को हटाना है। तो दोस्तों यही था सिंपल सा गेम, कैसा लगा आपको ये गेम कमेंट में बताना, और पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और गेम के लिए। थैंक यू।